आप सभी को नमस्कार। ये नुक्कड़ नाटक हम सभी के द्वारा स्वरचित है। इसमें एक भी श्लोक कहीं से नहीं कॉपी किए गए, सभी हमने स्वयं लिखे हैं। धन्यवाद। सर जी देखो, अरे मैडम देखो, मैडम देखो, अरे बच्चे देखो, बच्चे देखो, अरे अतिथि देखो, अतिथि देखो। नाटक की महफिल का आनंद उठाओ, नाटक की महफिल का आनंद उठाओ। मैं समाज का प्रधान, सबसे अनोखी मेरी शान, इस समाज पर मेरा वर्चस्व, पुरुष होते हैं सबसे महान। नया सवेरा बनकर आई तुम्हें जो दुनिया में लाई, नया सवेरा बनकर आई तुम्हें जो दुनिया में लाई, कभी माँ कभी बहन तो कभी बेटी के रूप में एक पुरुष ने पाई। हाँ मैं हूँ स्त्री, हाँ मैं हूँ स्त्री, जिसने इस संसार के सारे दुख दर्द समेट कर संसार में खुशियाँ है फैलाई, खुशियाँ फैलाई, खुशियाँ फैलाई। कभी चपका कभी मीठा, कभी ताली पीटने वाला मुझे बुलाते हैं, इस समाज के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं किन्नर हूँ ये बात मुझे बार बार याद दिलाते हैं, बार बार याद दिलाते हैं, बार बार याद दिलाते हैं। समाज की आंखों पे लगी पट्टी को हमें हटाना है, समाज की आंखों पे लगी पट्टी को हमें हटाना है, असमानता असमानता भारत से हमें मिटाना है, असमानता असमानता भारत से हमें मिटाना है। तू खुद उजाला बन, तू खुद उजाला बन, तू खुद उजाला बन, अंधकार को मिटाना है, असमानता असमानता भारत से हमें मिटाना है, असमानता असमानता भारत से हमें मिटाना है। ए जाना नास्तिक से मत दे, ए फिल्म बिगाड़ रहा है, ए चिकने 10 रुपए तो दे दे, ए जाया कितनी प्यारी बेटी है, बेटा कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही हो, अरे बेटी तो बात तो कर लेंगे, कहाँ जा रही बेटा, स्कूल जा रहे हैं, दूर रहिए जरा। कैसा समाज है, मैं बच्ची को छूने तक ना दे रहा, ये जाओ रे। कौन थे बेटा, बेटा वो किन्नर थे, किन्नर थे, किन्नर थे, किन्नर कौन होते हैं बेटा, किन्नर ना हमसे अलग होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, वरना वो उठा कर ले जाते हैं। जी मैं कशिश, सही समझे आप लोग, मैं एक किन्नर है, मैं एक किन्नर है, लेकिन साहिब इसमें मेरा क्या दोष, भगवान ही ऐसा बनाया मेरे को, इसमें मेरा क्या दोष, लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ाती है और उसको स्कूल भी छोड़ के आती है, और आज मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आएगी, मुझे पता है ये समाज वाले उसे पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन मैं उसे पढ़ाएगी, क्योंकि साहिब ये समाज के लोग ना जाने हमसे क्यों इतना डरते हैं, क्यों हमें धुतकारते हैं, क्यों अपने से अलग समझते हैं, ये हम समझ नहीं पाए, लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ाएगी और उसको स्कूल भी छोड़ के आएगी और आप जैसे अफसरों की तरह बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बिठाएगी। ऐसा हमने क्या पाप किया, ऐसा हमने क्या पाप किया, ऐसा
सच है साहिब, इन समाज के लोगों ने ना हमें धुतकार दिया, नहीं करते हमसे प्यार, नहीं करते हमसे बात। अभी मैं लेट हो रही हूँ, अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आती है। अरे संतोष, संतोष बेटा, तू इनका मजाक, इनका बुरा मानती है, इन लोगों का मैं ताली पीट पीट के इसलिए कमाती है कि तुझे पढ़ा सके, तुझे इन बड़े बड़े अफसरों की कुर्सी पर बिठा सके, इनके लायक बना सके, और तू कहती है तू स्कूल नहीं जाएगी। चल स्कूल। अम्मा नहीं। चल स्कूल। अम्मा मैं नहीं जाएगी स्कूल। एक बार बोला ना, चल स्कूल। चुप। चल स्कूल। चले हम स्कूल चले हम। चल, एक बार बोला ना तेरे को स्कूल नहीं जाएगी। चल लेटर आया है। अगर आज नौकरी लग गई ना तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। 11 रुपए का? कितने का? 11 रुपए का। थैंक यू साहब, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया ताकि मैं इंटरव्यू दे सके। यू आर वेलकम। लाइए अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए। जी सर। ये बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसमें आपने अपना जेंडर क्यों नहीं फिल करा है? सर, इसमें मैं क्या कर सकता है, आपने इसमें अदर जेंडर का तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। अच्छा, तो आप ट्रांसजेंडर हो? ट्रांसजेंडर हो, ट्रांसजेंडर हो। जी सर। देखिए, बाकी सब तो ठीक है, आप वेल क्वालिफाइड भी हो, पर माफ कीजिएगा, आपने पहले वाले कैंडिडेट का दिया भाई सारे पूरे। देखा आपने हमारे साथ क्या होता है, नौकरी भी नहीं मिलती है, पढ़ने लिखने के बावजूद भी हमें कोई नौकरी नहीं देता है, ये समाज हमें अपनाने के लिए भी तैयार नहीं है। रोजगार को, रोजगार को, रोजगार को कैसे पाए, अपना भविष्य कैसे बनाए, रोजगार को कैसे पाए, अपना भविष्य कैसे बनाए, इस समाज के लोग, इस समाज के लोग हमें ना अपनाए। भैया हमें ना अपनाए। सुगन्धिम्पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकृमकन्दनाम् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ नमः शिवाय।
कर्पूरी गौरम प्रणाम तारम संतारी सारम पुष्केंद्र हारम सदा वसंतम विद्यारविंद भवम भवामि सहितम नमामि बोलो हर 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 बोलो हर 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 चलो महादेव के दर्शन करके आते हैं। रुकिए, कहाँ जा रहे हो आप सभी? पंडित जी महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर में भी और भी भक्त हैं जो अपने पूजा में व्यस्त हैं। आप उस समय पश्चात आइएगा। हम क्यों ना जाएं अभी? हम उनसे अलग हैं क्या? आपको जो समझना समझिए, मैंने मना किया नहीं जा सकते। भला हम उन पंडित लोगों से अलग है क्या पंडित जी? कहा ना, मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ज्यादा वेद पुराण पढ़े हैं, आप नहीं जा सकते। पंडित जी महादेव सबके हैं, आप हमें अंदर जाने से रोक नहीं सकते। मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, मना किया नहीं जा सकते, बात खत्म। वाह वाह दुनिया वालों वाह, वाह समाज वालों वाह। न शिक्षा में समान अधिकार, न व्यवसाय में समान अधिकार, न समाज में समानता का अधिकार। बताओ कहाँ जाएं हम, किसको पुकारे हम, किसको बुलाएं हम, किस भगवान की आराधना करें कि इन समाज वालों की आंखें खोले और हमें अपने से अलग ना समझकर अपना जैसा समझे। कहाँ जाएं हम, कोई तो बताओ कहाँ जाएं हम। राम को आवाज दूं या पुकारूं कृष्ण को, या पुकारूं अल्लाह को, या पुकारूं शिव को। आंखों की चमक मेरी आंखों से आंखें हो रही, समाज की ये चकराना मेरा दम है घोर रही। असमानताओं की बेड़ियों से मुझको आप आजाद करो, अपने मन से डर निकाल हमें प्रेम उपहार करो। देखिए साहेब, मैं आप सबकी सहानुभूति मांगने नहीं आई है, मैं अपना हक मांगने आई है। मैं चाहती है ये समाज के लोग मुझे भी अपनाए। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो बोलिए, समाज की आंखों पे लगी पट्टी को हमें हटाना है, समाज की आंखों पे लगी पट्टी को हमें हटाना है। असमानता असमानता भारत से हमें मिटाना है, असमानता असमानता भारत से हमें मिटाना है। तू खुद उजाला बन, तू खुद उजाला बन, तू खुद उजाला बन, तुझे अंधकार को मिटाना है। असमानता असमानता भारत से हमें मिटाना है, असमानता असमानता भारत से हमें मिटाना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।